हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोट अवांटे बार 3200D की वीडियो। दोस्तों ये जो साउंड बार है बोट की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट हमें देखने को मिलता है। एंड यार आप लोगों की इस मॉडल के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार इस मॉडल की वीडियो लेकर आइए। सो फाइनली यार दोस्तों इस मॉडल को भी हमने परचेज कर लिया है। एंड दोस्तों आज की वीडियो में हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको इसके डिज़ाइन को डिटेल में दिखाने वाले हैं, साथ में कनेक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे। सो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 17,000 रुपीज़। सो यार 17,000 रुपीज़ के हिसाब से ये मॉडल वर्थित है या नहीं है, ये चीज़ भी हम बात करेंगे। एंड इस पर दोस्तों जो सबसे खास बात है ना, इसके जो रियर स्पीकर्स हैं वो हमें वायरलेस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इस पर हमें 2 सराउंड स्पीकर भी मिल जाते हैं, साथ में दोस्तों सबवूफर मिलता है एंड साउंड बार मिलता है, तभी दोस्तों ये 5.1 चैनल साउंड बार है। एंड इस पर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो यार फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो काफी तगड़ा ये बोट ने लॉन्च करा हुआ है। बाकी आज आपको पता लग ही जाएगा कैसा है ये मॉडल। एंड दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। साथ में दोस्तों यार अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सोच क्या रहे हैं यार, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं फटाफट से आपको कंटेंट को डिटेल में दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों हमें यूजर मैनुअल मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी। दोस्तों हमें वारंटी कार्ड भी इस पर मिल जाता है, साथ में वॉल माउंट किट भी मिल जाती है साउंड बार को वॉल माउंट करने के लिए एंड सैटेलाइट स्पीकर को वॉल माउंट करने के लिए। दोस्तों हमें फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, बट इस बार बैटरी नहीं दे रखी है, खाली रिमोट कंट्रोल हमें मिल जाता है। सो हम अपने साउंड बार को रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों हम ट्रेबल एंड बेस को एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी दोस्तों जब हम इसका डेमो देंगे तब मैं रिमोट कंट्रोल का भी डेमो आपको डिटेल पे दूंगा। क्वालिटी वाइज भी दोस्तों सही है ये। एंड हमें ऑक्स केबल भी बॉक्स के अंदर मिल जाती है। एंड दोस्तों एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा है, बोट हमेशा यार ऑप्टिकल केबल एंड HDMI ARC केबल बॉक्स के अंदर प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि दोस्तों यार ये इतना महंगा साउंड बार है उसके बावजूद भी इस पर ना ही हमें ऑप्टिकल केबल देखने को मिल रही है ना ही HDMI ARC केबल देखने को मिल रही है। सो यार यहाँ पर बोट ने इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसके साउंड बार को सबसे पहले डिटेल में दिखाते। देखिए दोस्तों इसका जो साउंड बार है डिजाइन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। डिजाइन दोस्तों डिसेंट कहेंगे हम, उतना प्रीमियम तो नहीं कहेंगे बट बढ़िया लग रहा है। दोस्तों सामने की तरफ से हमें इस पर 6 ड्राइवर्स मिल जाते हैं 2.25 इंचेस के। एंड दोस्तों सभी ड्राइवर्स का जो टोटल पावर आउटपुट है वो हमें 25 वॉट्स का देखने को मिलता है। सो यार 6 ड्राइवर लगे हुए हैं एंड 25 वॉट के हैं, साथ में 2.25 इंचेस के हैं। दोस्तों सामने ही हमें LED डिस्प्ले भी इस पर मिल जाता है। और साथ में दोस्तों यार एक चीज और बढ़िया करी है, हमें देखिए डॉल्बी ऑडियो का भी लोगो मिल जाता है सामने की तरफ से ग्रिल पे, एंड बोट का लोगो भी मिल जाता है। एंड इस साइड से दोस्तों हमें बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, प्ले पॉज का बटन मिलता है, प्लस माइनस यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन्स मिलते हैं, ब्लूटूथ का बटन मिलता है एंड मोड का बटन मिल जाता है। देखिए दोस्तों बैक साइड पर सबसे पहले हमें वॉल माउंट का ऑप्शन मिल जाता है, साउंड बार को और टीवी के नीचे वॉल पे माउंट कर पाएंगे। एंड दोस्तों हमें देखिए बैक साइड पर ही सारे पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले है DC के लिए इनपुट पोर्ट, साथ में है सबवूफर के लिए आउटपुट पोर्ट, USB पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, कोएक्सियल पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट एंड HDMI ARC पोर्ट। सो सारी लेटेस्ट कनेक्टिविटी हमें इस पर मिल जाती है, यहां पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। एंड अगर आप साउंड बार को टेबल पे रखेंगे तो देखिए रबर पैडिंग भी लगी हुई हमें इस पर मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब हम आपको सराउंड स्पीकर्स को भी डिटेल में दिखा देते हैं। दोस्तों ये जो स्पीकर है हमारे रियर साइड पे लगेंगे। सबसे पहले आप इनका शेप एंड डिज़ाइन देखिए, ये बढ़िया लग रहे हैं, मतलब राउंडिंग शेप में इनका डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है एंड ये दिखने में बढ़िया लग रहे हैं, यूनिक लग रहे हैं थोड़े। एंड दोस्तों सामने की तरफ से देखिए हमें ग्रिल मिल जाती है एंड सामने की तरफ से दोस्तों दोनों पर हमें 2 ड्राइवर्स मिल जाते हैं 2.25 इंचेस के। एंड जो आउटपुट है इनका भी दोस्तों 25 वॉट का है, मतलब एक ड्राइवर का जो आउटपुट है वो 25 वॉट का है। साथ में दोस्तों देखिए हमें वॉल माउंट का ऑप्शन भी इन पर मिल जाता है, सो आप इन्हें भी अपने बैक साइड पर वॉल पे माउंट कर पाएंगे। एंड दोस्तों ये जो स्पीकर है ना ये वायरलेस हैं,
देखिए यहाँ पर हमें अडेप्टर लगाना पड़ेगा एंड इन्हें पीछे प्लेस करना पड़ेगा। पूरी कनेक्टिविटी जो है इसकी वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। साथ में देखिए इस पर यह भी चीज़ मेंशन करी गई है दोस्तों, ये है सराउंड राइट एंड ये है सराउंड लेफ्ट, ये चीज़ भी मेंशन करी गई है ताकि आप कंफ्यूज ना होए। एंड नीचे से भी देखिए अगर आप इन्हें टेबल पे रखते हैं तो रबर पैड्स भी इन पे मिल जाते हैं हमें, सो आप इन्हें इजीली इस तरीके से भी रख पाएंगे। अगर जैसे आप टेबल पे रख रहे हैं तो इन्हें इस तरीके से भी रख पाएंगे अपने बैक एरिया पे। दोस्तों अब हम आपको इसके सबवूफर को भी डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मुझे जो सबसे पहले मतलब नोटिस हुई ना, जिसका सबवूफर का डिज़ाइन है ये बिल्कुल मोटोरोला एमपी साउंड एक्स 400 वॉट की तरह ही है। मतलब यार यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करा गया है, ये कह लीजिए ना सिर्फ यहाँ पर बोर्ड की ब्रांडिंग कर दी गई है, बाकी जो सबवूफर है ना पूरा वही है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। दोस्तों डिज़ाइन में तो ये भी बढ़िया लग रहा है, पूरा मैट ब्लैक पे हमें मिलता है। स्पेशली दोस्तों इसका जो टॉप पोर्शन है ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। उसमें भी जब मैंने आपको उस मॉडल का वीडियो दिया था तब बताया था मैंने आपको कि यार इसका जो टॉप पोर्शन है काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। अब दोस्तों इसके बैक साइड को भी हम थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से एयर पास होगी। एंड नीचे दोस्तों देखिए सबवूफर के लिए हमें पोर्ट मिल जाता है, इनपुट पोर्ट। यहाँ पर दोस्तों डीसी का आउटपुट पोर्ट है एंड ये है देखिए पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच। एंड यहाँ पर दोस्तों हमारी पावर कॉर्ड कनेक्ट होगी। एंड नीचे से दोस्तों इस पर हमें डाउन फायरिंग सबवूफर मिल जाता है जो कि है 6.5 इंचेस का। एंड इसका दोस्तों जो टोटल पावर आउटपुट है वो हमें 100 वाट्स आरएमएस का देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको इनका टोटल पावर आउटपुट बता देता हूँ। दोस्तों साउंड बार एंड सैटेलाइट स्पीकर यानी कि रियर स्पीकर्स का टोटल पावर आउटपुट है 250 वाट्स आरएमएस का। एंड दोस्तों इन सब पे जितने ड्राइवर्स हमें मिलते हैं ना वो सुन के भी आपको मजा आ जाएगा, इन सब का अगर हम टोटल ड्राइवर्स निकालें तो वो 10 ड्राइवर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड दोस्तों इसका जो सबवूफर है ये मैंने आपको बताई दिया वैसे 100 वाट्स का है, सो 250 प्लस 100 वाट अगर हम देखें वो हमें 350 वाट्स आरएमएस का देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी पार्ट को पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ कि यार आपने इन सबको ज्वाइंट कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं साउंड बार एंड सबवूफर का कनेक्शन आपने कैसे बनाना है। सो देखिए यार हमें बॉक्स के अंदर एक एडाप्टर मिला हुआ है, साथ में हमें देखिए एक छोटा बॉक्स और मिलता है। इसके अंदर दोस्तों हमें काफ़ी सारी केबल्स मिलती है, तो वो चीज़ सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। इतनी सारी केबल्स हमें मिलती है साथ में। अब बोलते हैं कि यार वायरलेस रियर स्पीकर्स हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार, इतनी वायर्स तो हमें मिल ही रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार इन दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए आपको कौन कौन सी केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर कैमरे को थोड़ा पास ले आइए। दोस्तों सबसे पहले देखिए हमें पावर कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी इस पर। एंड देखिए हमें एक केबल ये वाली ब्लैक वाली एंड एक केबल रेड वाली, ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। सो अब मैं आपको कनेक्शन बना के दिखा देता हूँ। सो इसके लिए दोस्तों हमें इसके साउंड बार को बैक साइड पे रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से ताकि आपको क्लियर दिखे। अब दोस्तों जो ब्लैक केबल है ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा आपका डीसी इनपुट पोर्ट वाले में, ये देखिए कुछ इस तरीके से। एंड जो ये रेड वाली केबल है ये हमें सबवूफर के आउटपुट पोर्ट पे कनेक्ट करनी पड़ेगी, ये देखिए यहाँ पे। अब दोस्तों जो ये पावर कॉर्ड है ये हमारे सबवूफर के बैक साइड पे जो ये जो पावर कॉर्ड वाला पोर्ट है यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। एंड जो ये मेन प्लग है ये हमारे पावर पे जाएगी मतलब स्विच पे जाएगी। एंड जो ये रेड वाली केबल है ये हमें सबवूफर के पोर्ट पे लगानी पड़ेगी। एंड जो ये ब्लैक वाली केबल है दोस्तों ये लगानी पड़ेगी डीसी के आउटपुट पोर्ट में जो कि 24 वोल्ट का है इस तरीके से। सो जो ये कनेक्शन है ये पूरा बन जाएगा। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि यार आपको जो सराउंड स्पीकर है राइट लेफ्ट के उन्हें कैसे कनेक्ट करना है। दोस्तों देखिए जो ये हमें अडेप्टर मिला हुआ है ना ये हमें जो सराउंड का लेफ्ट वाला स्पीकर है इस पे ये कनेक्ट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कनेक्ट करके, ये जो इसका बैक पोर्शन है अडेप्टर का ये यहाँ पे कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से। एंड ये हमारा मेन सॉकेट पे जाएगा जहाँ से इसे पावर मिलेगी। एक केबल और मिली है दोस्तों, अब देखिए ये जो है हमारे ऊपर वाले पोर्ट पे जाएगी कुछ इस तरीके से। एंड जो दूसरा वाला है राइट वाला स्पीकर इस पे ये कनेक्ट होगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इन्हें कनेक्ट करना है। अब मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ये चीज़ है दोस्तों वायरलेस रियर स्पीकर बोला गया है वो क्यों बोला गया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों इनका और इनके बीच में कनेक्शन नहीं है वायर से,
तभी इन्हें वायरलेस बोला गया है। इनके लिए जो पावर है, पावर सप्लाई जो होगी वो अडेप्टर के थ्रू होगी। सो ये चीज के वजह से इन्होंने वायरलेस दे रखा है। बट यार मेरे को नहीं लगता है कि ये कम्प्लीटली वायरलेस सिस्टम है, क्योंकि यार देखिए इतना तामझाम तो हमें करना ही पड़ रहा है। सो इसे कम्प्लीट वायरलेस सिस्टम हम नहीं बोलेंगे, ना ही हम ये बोलेंगे कि यार जो इसके रियर स्पीकर हैं ये कम्प्लीटली वायरलेस हैं। तो दोस्तों यार हमने पूरा कनेक्शन बना के आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से बनाना है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, बाकी नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और बैक करके देख लीजिएगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो सर कैमरे को थोड़ा पास ले आइए एंड इसके बैक साइड को थोड़ा डिटेल में दिखाइए। देखिए अभी हमने जो प्लग्स हैं वो लगा दिए हैं पावर पे। अब दोस्तों आपको कैसे पता लगेगा कि यार ये सब पूरे पेयर हो गए हैं? देखिए अभी हमने इसे पावर ऑन नहीं कराया तो यहाँ पर जो रेड कलर की लाइट है वो ब्लिंक करेगी। ये देखिए अभी हमने इसे ऑन नहीं कराया, तो सर यहाँ पे से इसे एक बार ऑन कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों हमने ऑन कर दिया है एंड जो लाइट है देखिए अब वो स्टेबल हो गई है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुका है। सो रियर स्पीकर का आपको पता लग जाएगा जैसी लाइट स्टेबल हो जाएगी रेड कलर पे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कनेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं आपको डेमो दे देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इसका फर्स्ट अटेम्प्ट पे साउंड टेस्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसे ऑन कर दिया है एंड यहाँ पर ही हमें डिस्प्ले मिल जाता है, जो भी फंक्शन ऑपरेट करेंगे वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। सो सबसे पहले दोस्तों हम इसके ट्रेबल एंड बेस को एडजस्ट करके देखते हैं। दोस्तों हम प्लस 5 से माइनस 5 तक ट्रेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से दोस्तों हम बेस को भी प्लस 5 से माइनस 5 तक एडजस्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों हम इसकी टॉप वॉल्यूम भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इस पर हमें 32 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। साथ में देखिए हमें मोड्स भी मिल जाते हैं, तो इन्हें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये तो ब्लूटूथ मोड है, अब दोस्तों हमने इसे ऑप्टिकल मोड में रख लिया है, कोएक्सियल मोड में रख लिया है दोस्तों, HDMI ARC मोड, USB मोड एंड ऑक्स मोड। सो ये सारे मोड्स हमें मिल जाते हैं, मतलब कि ये सारी कनेक्टिविटी मिलती है। साथ में दोस्तों हमें देखिए कुछ साउंड मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक, मूवी, न्यूज़, 3D। सो अभी दोस्तों हम इसका फर्स्ट अटेम्प्ट पे साउंड टेस्ट करते हैं। सो इसे म्यूजिक मोड में रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने अपना फोन जो है ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है, प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस मॉडल का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ऑडियो क्वालिटी तो इसकी अच्छी लग रही है, बट यार मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट आपको साउंड टेस्ट में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे थोड़ा इसे डिटेल में टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपको बता पाऊंगा। एंड दोस्तों जो इसका साउंड टेस्ट है वो भी 3-4 दिन के अंदर में आ जाएगा, मतलब कि वेनसडे या थर्सडे में इसका साउंड टेस्ट भी लाइव हो जाएगा। सो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं कनेक्टिविटी के हिसाब से बताऊं आपको, तो ये मुझे बढ़िया लगा है, मतलब सारी लेटेस्ट कनेक्टिविटी हमें इस पर देखने को मिल जाती है, साथ में डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एंड दोस्तों अगर मैं प्राइसिंग के हिसाब से भी देखूँ ना, तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा है, मतलब कि मोटोरोला एमपी साउंड एक्स 400 वॉट वाला जो हमने करा था दोस्तों, वो केवल दोस्तों 12,000 रुपीज का था एंड यार ये मॉडल जो है 17,000 का है। सो इस हिसाब से बोट इसका प्राइस 15,000 तक कर रखता तो मेरे हिसाब से काफी बेटर ऑप्शन होता। बट अब दोस्तों यार साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि यार ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है। एंड दोस्तों एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि यार बॉक्स के अंदर हमें HDMI ARC एंड ऑप्टिकल केबल नहीं मिलती है। सो यार इतना महंगा अगर हम बोट का साउंड बार परचेस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यार बॉक्स के अंदर हमें ये केबल तो प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दोस्तों इन केबल्स की बात करें, अगर हम इनकी अच्छी क्वालिटी की केबल खरीदते हैं तो 500 या 1000 रुपीस की आती है। सो यार वो पैसा हमें अलग से खर्च करना पड़ता है, सो वहां पर मुझे बढ़िया नहीं लगा है, वो चीजें बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड अगर दोस्तों मैं डिजाइन की बात करूं, तो डिजाइन मुझे बढ़िया लगा है, मतलब डिजाइन में ऐसा नहीं कहेंगे कि यार कमी है, 17,000 के हिसाब से वर्थित है, मतलब डिजाइन आपको पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड हमारा हार्डवर्क डेडिकेशन भी पसंद आया होगा। दोस्तों हमने ये इस मॉडल को खुद परचेस करा है, अपने पैसों से परचेस करा है केवल रिव्यू के लिए। सो यार अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सो यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जल्दी इसका हिंदी पे साउंड टेस्ट आ जाएगा इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।